हाय अल्लाह, खैर ये लड़का तो मुझे दिल का दौरा पड़वा के रहेगा। दिल का दौरा तो फिलहाल मासूमा फूफो को पड़ने वाला है। क्यों, क्या हुआ? शाहाना ने इनकार कर दिया किंजा और अंसर की शादी से। अल्लाह ने मुझको नागार की सुन ली है। ये बात नहीं है। फिर जलाल पापा की चोरी पकड़ी गई। वो कैसे? चूड़ियों की खनक से, मेरे मोबाइल की चमक से। क्या मोटू, सच बताओ तूने बाहर कौन सा फसाद डाला है? ये बात नहीं है, बात ये है कि बाहर आके देखे बड़े मजे की जंग हो रही है। या अल्लाह, खैर इस खान साहब ने अब कौन सा नया चांद चढ़ाया है? देखो जाके। चले चले, बहुत मजा आने वाला है। आ, बहुत चल, मजे चल, की जंग हो रही है। जवान बेटी के बाप हो, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। अभी और इसी वक्त से कहो कि ये चूड़ियां उतारे। मसूमा जान, दो चूड़ियों के सेट से क्या फर्क पड़ता है? क्यों जमशेद? औकात तो अब तुम्हारी भी कोई नहीं रही मेरी नजरों में। मसूमा हौसला करो, हौसला करो। वहाँ ना जलाल साहब, वो तो हौसला कर लेगी, लेकिन ये करण अर्जुन की जोड़ी जो है, इसके दिल में हर दो दिन के बाद जो हौका उठता है अपनी माँ को चूड़ियां पहनाने का, इस मसले का ना कोई पक्का हल निकालना पड़ेगा। जलाल भाई आप भी तो कुछ ख्याल करें ना। तुम करते हैं? अब्बा जी माफ करना, ये रस्म आपने शुरू की है, ये वंगा चढ़ाने वाली, अब भुगत ले। खाम खाम में भुगते, हमारे शोहर के फालतू आए। तो मैंने कौन सी किसी की मिन्नत की थी कि मुझे जाके चूड़ियां पहना के लाओ? हाई मिन्नती नहीं की थी तो करने की जरूरत भी नहीं है ना तुझे। तू तो बस अपना परांदा हिलाती अटकाती मटकाती गुनगुनाती रहती है, किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर, लाइन बनाओ टिकट कटाओ और ये दोनों लाइन में हाजिर हो जाते हैं। आफरीन है तुम पशन्नु, अपने जुबान के जौहर दिखाने का कोई मौका हाथ से मत छोड़ना तुम। बीजान तुसी मेरे पीछे पै जाया करो है, और ये जो है जिसने ठेका उठाया हुआ पूरे घर के मर्दों को वर्गलाने का, वो ये बेचारी कहाँ वर्गलाती किसी को, यही दोनों खबीज हैं जो उसके आगे पीछे फिरते रहते हैं। मर्दात तो होती बेवफा है, आप इस लड़की को अकल देना कि मर्दों की बातों में मत आए। मिलो, तुम चलो मेरे कमरे में, और आइंदा इनमें से कोई भी तुम्हारे आस पास नजर आया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जी बीजा। जी फरमाइए, मैं हमतन गोश हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हारी इस घटिया बात का कोई जवाब होता तो मैं जरूर देती अरसल। तुम मेरी मोहब्बत को घटिया कह रही हो? नहीं अरसल, मैं ये कह रही हूँ कि दो चार फिल्मी डायलॉग रट कर मुझे कह देने से अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फौरन तुम्हारे कदमों में गिर जाऊंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जिया, मुझे भी अभी एहसास हुआ कि अरसल खुदा का वास्ता है मुझे मजीद बेवकूफ ना बनाओ, ठीक है? मुझे पता चल चुका है कि असल में तुमसे ये बात हजम नहीं हुई कि मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग